देखो बच्चों, जो 49th क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से। क्या कह रहे हैं, ए बोल ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ दिस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन वेयर ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। क्या कह रहे हैं, अपने पास हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों कितनी है, 2 × 10⁴, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहां पे एक पार्टिकल है, उसको रिलीज किया गया रेस्ट से। कैसे, रेस्ट से रिलीज किया गया उसको, उसका मास है पार्टिकल का और कुछ उस पर क्या है, चार्ज है, जो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कह रहा है कि ए पार्ट में फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बोल। बोल है, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स बतानी है। भाई रिजल्टेंट फोर्स इस पे क्या क्या फोर्स लग रही है, देखो नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स qE, क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। तो देखो आप, अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा, बीच में से आएगा fr, fr मतलब रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा बच्चों, fr रूट qE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, प्लस mg का स्क्वायर। बोलो क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। देखो रूट क्यू, चार्ज कितना है बच्चों बोल पर, 4.9 × 10⁻¹⁵, तो 4.9 × 10⁻¹⁵ इंटू ई, ई कितना है 2 × 10⁴ सारे का स्क्वायर प्लस एम जी, एम कितना है 100 ग्राम, ग्राम को केजी में बदल दो क्या बनेगा 10⁻¹⁰, 100 ग्राम मास है केजी में बदलेंगे 10⁻¹⁰, जी जी कितना है 9.8, इस सारे का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर। बस सोल्व करना है और क्या है, रिजल्टेंट फोर्स अपने पास आ जाएगी, क्या आएगी देखो मैं सोल्व कर देता हूं, 4.9 × 2 क्या बनेगा 2, 4, 8 और 9, 4.9 × 2 9.8, −5 + 4 क्या बनेगा −1, इस सारे का स्क्वायर प्लस 9.1 × 10⁻¹⁹ को क्या लिख सकते हैं, एक डिक्रीज कर दो तो एक इंक्रीज हो जाएगा इस सारे का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखो, मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूं, 9.8 × 9.8 क्या आ जाएगा 96.04, ये आ जाएगा बच्चों रूट 96.04 और 10⁻¹⁹ का स्क्वायर 10⁻¹⁔ प्लस 0.98 का स्क्वायर क्या आएगा, ये अपने पास एक मिनट रुको, ये आ जाएगा 0.9604, क्या आ जाएगा 0.9604। अब देखो 0.9604 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं दो इंक्रीज करा देते हैं, यहां पर डॉट लगा देते हैं, दो क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों क्या है सेम टर्म है, तो दोनों सेम टर्म है तो इसको हटा देते हैं और इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 से कर दो, किससे कर दो 2 से। तो देखो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो क्या आएगा 96.04 मल्टीप्लाई, भाई मैथ्स कमजोर है मेरा है ना, तो 2 = आ गया 192.08। क्या आ जाएगी बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी अपने पास रूट 192.08 × 10⁻¹⁔। क्लियर है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो एफ आर क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.92 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दो डिक्रीज करा देंगे इंक्रीज हो जाएंगे, और रूट अगर निकालेंगे बच्चों 1.92 का तो ये आ जाएगा 1.38। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो क्या आएगी बच्चों 1.38 न्यूटन, क्या आ जाएगी 1.38 न्यूटन। ठीक है, 1.38 को हम क्या लिख सकते हैं 1.4 भी लिख सकते हैं, 1.4 भी लिख सकते हैं, ये अपने पास आ जाएगी। ठीक है, बी पार्ट क्या है इसका, पाथ क्या होगा बोल का। देखो चार्ज पार्टिकल है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे बस चर्चा कर रखी इनके पाथ की ही क्या चर्चा कर रखी है। तो चार्ज पार्टिकल को अगर रेस्ट से छोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, आप उस वीडियो लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, मैं उसका एंड स्क्रीन पे भी उसको डाल दूंगा। देखो सी क्या है, वेयर विल बी द बोल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद बोल कहां पर होगी ये हमें बताना है। देखो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, क्या कह रहा है कि वेयर विल बी द बोल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद बोल अपनी कहां पर होगी। तो देखो s इक्वल टू क्या लगाएंगे, ut + ½ at स्क्वायर, रेस्ट से रिलीज किया तो ut 0 हो गया,
तो s हमें बताना है 1/2a, a क्या होता है एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास, फोर्स क्या आया 1.4 अपॉन मास कितना है इसका बोल का 100 ग्राम है, kg में बदलेंगे क्या आ जाएगा 10^-1 आ जाएगा है ना। तो a into t square कितने टाइम के बाद पूछ रहा है 2 सेकंड के बाद, तो t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक 2 से देखो ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है, तो s इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1.4 इंटू 2 2.8 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस आ जाएगा, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 28 मीटर, कितना आ जाएगा 28 मीटर, तो कहां पर मिलेगी बोल अपने पास 28 मीटर पर ठीक है, 2 सेकंड के बाद बोल कहां पर मिलेगी बच्चों 28 मीटर पर। तो अच्छा सवाल है, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट करो, और एक वीडियो लेक्चर है एंड स्क्रीन पे अभी आपको देखने को मिल जाएगी, दिख रही होगी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो कैसा पाथ लेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं।